चलाया, दो कदम हम अपनी तरफ से चलाएंगे और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट से करप्शन को दूर भगा कर ही दम लेंगे अगर आप सबका साथ हमारे साथ हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विंकल शर्मा हमारे साथ। विंकल, जो अभी SSB द्वारा ट्वीट आया है, क्या आप इस ट्वीट से खुश हैं? आप सेटिस्फाइड हैं अभी तक, या फिर आप इसको एक इनिशियल अपनी जीत मानते हैं? उनकी जिम्मेवारी बनती है, उन्होंने वो काम जो आज से कई दिन पहले करना था करना चाहिए था। अभी भी ये JKSSB का खुद का करारदार नहीं है, LG प्रशासन ने स्वयं संज्ञान लिया है कि इनके गलत काम, इनकी गलत नीतियां किस तरह से LG प्रशासन के खिलाफ एक जो इतना बड़ा आक्रोश जनता के मन में भरा है, JKSSB उसमें शामिल रही तो उसको मजबूरी में अब कराया है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारी, ये तो वो चीज थी जो एक नया पहाड़ हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया कि भाई अभी कानून ने तय नहीं किया, अभी जिन लोगों ने फीस भरी है उन्होंने उस कंपनी को तय नहीं किया, उस कंपनी के खिलाफ इतनी उनके जो सबूत है वो लाके दे रहे हैं, तो तुम क्या इतने उतावले पड़े हो, तुम क्या है उस कंपनी के पीछे इतने पड़े हो? तो सरकार ने, प्रशासन ने जो संज्ञान लिया है स्वागत योग्य है, लेकिन मैं बार बार ये बता रहा हूँ, ये लड़ाई रुकी नहीं है, थमी नहीं है, ये केवल एक पड़ाव जो सरकार को थोड़ा वक्त चाहिए था। हमारी जो मूल मांगे हैं कि पेपर जो सरकारी इम्तिहान है वो सरकार खुद कराए, प्राइवेट कंपनियों को ना दे। दूसरा, एक सख्त कानून जो पेपर लीक को रोकने के लिए हो वो लाया जाए। तीसरा, जो इन लोगों को अंदर करने वाले हैं, ये जो कंपनी है ये तो बाहर जानी है, ये तय है, लेकिन जिन लोगों ने अंदर कराया है उनके ऊपर कार्रवाई हो। इसके साथ जो भी इस कंपनी ने पेपर कराए हैं, जो जांच के घेरे में आए हैं, जिनके ऊपर कोई स्टे है, तो कोई ये है कि मैटर सब जुडिस है अभी, तो कोई ऐसा भी है जिनके ऊपर लोगों ने इल्जाम लगाए लेकिन कार्रवाई नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई हो, तत्काल प्रभाव से एपटेक को बाहर किया जाए, तत्काल प्रभाव से। इसके लिए समय नहीं मिलेगा। आज जो संज्ञान लिया गया है ये स्वागत इस काम करते हैं, लेकिन कोई ये ऐसा नहीं है कि ताजमहल आगरा से उठाया और जम्मू कश्मीर में रख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये युवाओं का हक है फेयर रिक्रूटमेंट, और ये हमारी लड़ाई इसी फेयर रिक्रूटमेंट के लिए है जो हम जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे सारी मानी नहीं जाती। ये जो ट्वीट आया है, जितनी भी आपको जो थोड़ी बहुत सेटिस्फेक्शन है, जो मेन सेटिस्फेक्शन है एपटेक को बाहर करना, जब तक वो नहीं होता, जब तक ये डेफर्ड किया गया है आपके एग्जाम और तब तक फर्दर बताएंगे क्या करना है, इंटीमेट करेंगे, इसी बीच में जिन लोगों ने आपके साथ सपोर्ट किया उनके लिए कुछ कहेंगे? अभी दविंदर राणा जी भी आए थे, उन्होंने भी आपको आश्वासन दिया, मैं वो वीडियो भी देख रहा था। हम पिछले 9 महीने से कई लोगों के पास गए हैं, कुछ लोगों ने ट्विटर पे हमारा सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने ऑन ग्राउंड सपोर्ट किया, ये सारे एस्पिरेंट, सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सामाजिक संगठन, मीडिया के कर्मचारी, सब लोगों ने, राजनीतिक दलों के लोग, जो जिनका कोई दल नहीं है वो भी, बहुत से लोगों का इस सारी लड़ाई में योगदान है, और धन्यवाद उनका इसलिए कि अभी तक वो हमारे साथ हैं। आगे भी उनसे ये आशा है कि हमारी लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, हमारी लड़ाई आखिरी तभी रुकेगी जब कानून आ जाएगा पेपर लीक को रोकने के लिए, और ये जो सरकारी इम्तिहान, जो सरकारी नौकरी के परीक्षाओं के जो इस समय प्राइवेट कंपनियों से कराई जा रही है, नहीं, वो रणबीर प्रेस या सरकार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगी, सरकार खुद कराएगी, तो हमारी लड़ाई पूरी होगी। तब तक के लिए हम उनसे जो सपोर्ट, जो समर्थन अब तक हमें मिला है उससे और अधिक, और एस्पिरेंट से भी जो घर में है उनसे भी और अधिक समर्थन की हम अपेक्षा करते हैं, जो है रिक्वेस्ट करते हैं। चेयरमैन साहब से कुछ कहना चाहेंगे, जो 2 दिन पहले तो बड़े एडमेंट थे, आज उनको अपने ही ट्विटर हैंडल से खुद ही ट्वीट करना पड़ा, जहाँ तक मुझे लगता है या तो वो 2 दिन पहले गलत थे। देखिए, कई बार ऐसा होता है, लिखी हुई प्रेस रिलीजें होती है वही पढ़नी पड़ती है जो लिखी है, और चेयरमैन साहब, मैं उस चेयर की बात करता हूँ, उस चेयर ने आज 2 दिन पहले उस चेयर ने कहा था कि हम गुंडे हैं, गैंग है, जो भी है, आज उन्होंने उस चेयर ने कह दिया कि हम डेफर कर रहे हैं, तो उनका एक प्रशासनिक जो उन्होंने फैसला लिया उसका स्वागत हम कर रहे हैं। तो ये लड़ाई युवाओं की सरकार के साथ नहीं, करप्ट सिस्टम के साथ है। चेयरमैन साहब अपना जो भी उनका किया धरा है सरकार जांचे, सरकार का जिम्मा है, हमारा तो बस यह है कि सामने लाने का काम था, हमने लाया, पुरजोर तरीके से लाया। देखिए, इस समय कैमरे में तो या विंकल या अतुल दिख रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा ये कैमरा चारों तरफ मोड़ा जाए, ये सभी युवा जो है सुबह से यही है, हम भी इनके साथ थे और अभी तक ये सभी यहाँ पर खड़े हैं, ये इन सभी का एक यूनिटी है
और एक बार फिर से जम्मू के युवाओं ने बता दिया कि अगर हम यूनाइट हो जाएं तो अगर महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी भी ले सकते हैं तो इस तरह की ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी बाहर निकाल सकते हैं। अतुल, आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे और इस ट्वीट से आप कितना सेटिस्फाई समझते हैं और आगे फर्दर क्या मतलब? देखिए आशीष भाई, सबसे पहले तो मैं यूथ अगेंस्ट करप्शन की तरफ से, जिन्होंने ये संघर्ष की शुरुआत की थी, उन सब की तरफ से, तमाम उन लोगों का जिसमें मीडिया बंधु, पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल संगठन या जो भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में हमारा साथ देते रहे, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। दूसरी बात, संघर्ष का पहला पड़ाव अभी पूरा हुआ है, अभी लड़ाई लंबी है जिसको हम लोग लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम सरकार के खिलाफ कभी भी नहीं थे, ना पहले दिन ना आज थे। हम अगर किसी के खिलाफ हैं तो सिस्टम में उस करप्ट लोगों के खिलाफ हैं जिन्होंने सरकारी नौकरियों के अंदर, उनकी रिक्रूटमेंट के अंदर भ्रष्टाचार का एक कीड़ा लगा दिया था, एक दीमक लगा दिया था। तो उस दीमक के खिलाफ, उस कीड़े के खिलाफ हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक जो सरकारी रिक्रूटमेंट्स, नौकरियों की रिक्रूटमेंट्स हैं, उसके अंदर इन प्राइवेट प्लेयर्स का रोल नहीं खत्म होता। क्योंकि पिछले मर्तबा भी हमने देखा जिनके ऊपर कार्रवाइयां हुई, आज आके क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में से किसी 4,000 के लेबर एम्प्लॉय को लास्ट में फाइनल बता दिया जाता है कि ये किंग पिन था, इसने स्कैम किया, वो अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती। सरकारी कोई मुलाजिम होगा वो ऐसा करने से पहले 10 मरतबा सोचेगा कि मैं ऐसा काम करूं या ना करूं। सरकार के पास हर एक रिसोर्स है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, रणबीर प्रेस की बात हुई, लाखों की तादाद में हमारे पास गवर्नमेंट टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, कॉलेजेस, हाँ कॉलेजेस के अंदर इतनी बड़ी बड़ी हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं। यूपीएससी जैसे लेवल के एग्जाम्स अगर इतनी पारदर्शी तरीके से हो सकते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकते? हम ये मांग करते हैं, क्योंकि आपने चेयरमैन साहब की बात करी, जेकेएसएसबी में कुछ लोग ये भी आरोप लगाते थे हम लोगों के ऊपर कि इनके पीछे कोई और प्राइवेट कंपनी है। जनाब, अपने आप को दुरुस्त कीजिए, आप में से ही कुछ लोग गलत फीडिंग करते हैं एलजी हाउस में, जिसकी वजह से बच्चों के साथ ये सब होता है। हमें शौक नहीं है कि हम लोग रात को पार्कों में यहां इस तरह से बैठे, लेकिन आप लोग जब गलत फीड करते हैं तो उस वजह से ऐसा होता है, जबकि असलियत इसमें यह है कि हम लोग जो सच बता रहे हैं आप वो ऊपर बताना ही नहीं चाहते। असलियत क्या है कि हम लोग चाहते थे कि प्राइवेट कंपनियों को ही खत्म कर दें। आप हम पे थप्पा लगाते हैं कि हम प्राइवेट कंपनी चाहते हैं, हम बिल्कुल किसी भी प्राइवेट कंपनी को हम पेपर लेना लो नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं सरकार ले, क्योंकि अगर कल को सरकारी कोई एम्प्लॉय ऐसा करेगा तो कम से कम उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी, उसकी सजा मुकर्रर होगी। और आज ये पहला पड़ाव है, आज हम ऐसे यहां से वापस नहीं जाने वाले थे, लेकिन अगर सरकार ने एक कदम बढ़ाया था, दो कदम हम भी बढ़ाएंगे। एलजी साहब ने हमसे एविडेंस मांगे हैं, हम उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं जेके मीडिया के माध्यम से कि आपको तमाम एविडेंस जो एपटेक ने अभी रिसेंटली जनवरी फरवरी में कारनामे किए हैं वो आपको दिए जाएंगे, या पिछले जो स्कैम हुए हैं उसमें कार्रवाइयों में कहां चूक रह गई वो भी हम आपको सब डाटा प्रोवाइड कराएंगे। और उम्मीद है अगर एलजी साहब ने कदम आगे चलाया है तो हमारी इस मुहिम में अंत तक वो हमारा साथ देंगे और जम्मू कश्मीर से भ्रष्टाचार को, खासकर रिक्रूटमेंट से जरूर मुक्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की। ये सभी युवा है, आप देखेंगे सुबह से लोग यहीं पे थे और इस समय तक यहां पर हैं। इनमें हमारी बच्चियां भी हैं जो सभी पढ़ाई जिनको करनी थी, क्योंकि 16 को एग्जाम था, लेकिन अब वो सभी डेफर्ड हो चुके हैं अगले महीने तक। आप लोग कुछ सेटिस्फाइड हैं जो जी, अभी स्ट्रीट से? जी बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि हम लगातार कितने दिन से यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एलजी साहब अभी तक कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, लेकिन फाइनली उनने स्टेप ले लिया है। क्योंकि हमारा ये था कि ना तो यहाँ से बेटियाँ उठेंगी और ना ही यहाँ से लड़के उठेंगे, लेकिन फाइनली एलजी साहब ने अगर स्टेप उठाया है तो देर पहले देवेंद्र राणा जी भी आए थे, वो कह रहे थे कि कुछ ना कुछ हो सकता है, तो आपको कुछ थी उम्मीद? जी बिल्कुल उम्मीद तो थी, अगर उन्होंने हमें ये गारंटी दी थी कि मैं गारंटी देता हूँ कि जो गलत है उसके साथ कोई नहीं रहेगा, आपके साथ सही होगा, अगर जहाँ तक हम उनने कहा है कि सही होगा, तो हमें थी उम्मीद कि हम यहीं रहेंगे, जब तक सही नहीं होगा हम नहीं उठेंगे, लेकिन फाइनली उनने किया है, थैंक यू सो मच। लेकिन हम अभी हटेंगे नहीं, अभी हम हटेंगे नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ इनने एक्सटेंड किया है आगे कैलेंडर को, लेकिन हमें एपटेक नहीं चाहिए, हमें एपटेक को नदी के उस पार कराना ही कराना है, क्योंकि हमें कोई प्राइवेट कंपनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए गवर्नमेंट की कंपनी, सरकार की। इतनी सारी वहां पर है, टीचर्स हैं, अगर इनको पता है कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो इतना पैसा ले रही है तो गवर्नमेंट को कराओ ना, सरकार को बोलो, सरकार के इतने मुलाजिम यहां पर हैं तो उनको बोल दो ना। और साथ में हम कब तक लड़ते रहेंगे? मैंने 2021 से मैं एग्जाम में अपियर हो रही हूँ जेके एसएसबी के एग्जाम्स में, पहला एग्जाम दिया, मेरा फर्स्ट एग्जाम था जेके पीएसआई का,
और उस एग्जाम में ये पता चलता है कि इसमें स्कैम हो गया है। मेरे घर के आसपास कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको जो किसी और बैकग्राउंड से हैं, उस बैकग्राउंड से जो उनकी पोस्ट से निकली है, उस पोस्ट में उस इंसान ने सिर्फ 21 मार्क्स लिए हैं जिस बैकग्राउंड से वो है, बट दूसरे एसआई का एग्जाम वो दे रहा है और वो ले रहा है 114-15 मार्क्स। और हमारे आप ये देखो कि हमारे घर पर हम पर कैसा रहता होगा, वो मेंटली टॉर्चर इज डिफरेंट। उसके बाद हमारे पेरेंट्स कहाँ से लाएंगे इतना पैसा कि हम ये करप्शन के लिए, तो इतना ज्यादा हो रहा था, मेंटली टॉर्चर हो रहा था। उसके बाद अभी फिर से जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें भी यही चल रहा था। रिसेंटली लद्दाख में जो स्कैम हुआ है वो चीजें माइंड में चल रही हैं कि अगर एपटेक इतने स्कैम कर रही है हमारे टाइम पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो पीछे करती आ रही है अभी वो कैसे रुकेगी, क्योंकि एक बार आपको चोरी करने की आदत लग जाएगी वो आपको नहीं छूटती है। इसलिए हम एपटेक को नहीं चाहते हैं, और JKSSB अगर एग्जाम ले रही है तो वो सरकार को बोले, हमें प्राइवेट कंपनी कोई नहीं चाहिए, स्पेशली हमें एपटेक नहीं चाहिए। एंड वी आर थैंकफुल टू मनोज सिन्हा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये अभी जो ट्वीट आया SSB की तरफ से, लेकिन अभी ये शुरुआत है, सेटिस्फाई तो है युवा, लेकिन पूरी सेटिस्फेक्शन तब होगी जब एपटेक को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। और एपटेक की जरूरत नहीं है, हमारे पास अपना बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकारी अदारे से कई सारे एग्जाम हो सकते हैं और ऑलरेडी होते भी हैं। यही युवाओं की मांग है और यही युवाओं ने कहा है। मुझे आशा है कि LG साहब इस वीडियो को जरूर देखेंगे और इन युवाओं की मांग को आगे फर्दर जो है बढ़ाएंगे। देखते रहें JK मीडिया, धन्यवाद सभी को, राम राम।